कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद ही करेंगे, कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हो। हेलो गाइस, मैं अंशु तोमर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आपने सोशल मीडिया पर आज से पहले एक से बढ़कर एक बेस्ट क्रिएटर्स तो देखे ही होंगे जो किसी न किसी टैलेंट से सोशल मीडिया पर राज करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। सो गाइस, आज हम भी एक ऐसे ही बेहतरीन क्रिएटर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने स्ट्रगल से साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं टॉपर यूट्यूबर ज्योतिका दिलैक के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। गाइस, ज्योतिका के टैलेंट को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनमें जरा भी टैलेंट की कमी है। गाइस, आगे की वीडियो में हम आपको इनकी एज, एजुकेशन, बायोग्राफी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही आपको इनकी मैरिटल स्टेटस के बारे में भी बताएंगे। तो गाइस, ज्योतिका की लाइफ जर्नी जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके थ्रू हमारी ऑल न्यू नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो गाइस, नो टाइम वेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट वीडियो। वादियों में टकरा चुके हमसे। गाइस, 26 जुलाई 1993 को शिमला हिमाचल प्रदेश में एक ब्यूटीफुल बच्ची का जन्म हुआ और उसका नाम प्यार से नैना रख दिया गया, जिसे सोशल मीडिया पर आप सभी ज्योतिका दिलैक के नाम से जानते हैं। गाइस, ज्योतिका का बचपन शिमला के सर्द मौसम और वहां की हरी भरी वादियों में गुजरा और अगर अब भी इन्हें थोड़ा सा वक्त मिलता है तो ये अभी भी उन हरी भरी वादियों और पहाड़ों के बीच टाइम स्पेंड करने जरूर जाती हैं। गाइस, ज्योतिका कहती हैं अगर उनकी सबसे ज्यादा दोस्ती किसी से है तो वो इन हरी भरी वादियों से। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। गाइस, ज्योतिका ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की स्टडी हिमाचल से ही कंप्लीट की। गाइस, अगर बात करें इनकी फैमिली की तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा दो सिस्टर्स हैं जिनका नाम रोहिणी और रुबीना है। गाइस, आप रुबीना को तो अच्छे से जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, रुबीना टेलीविजन की सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक हैं। गाइस, रुबीना को जितना फेम मिले उतना ही कम है। गाइस, इनका कहना है लाइफ में प्रॉब्लम्स की कोई काउंटिंग नहीं होती क्योंकि जब भी हम कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम्स हजार आती हैं, लेकिन अगर हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं तो एक दिन हमें कामयाबी जरूर मिलती है। और यही इंस्पिरेशन इन्होंने अपनी छोटी बहन ज्योतिका को दी है जो इनके टैलेंट को देखकर बखूबी पता चलता है। गाइस, अब फोकस करते हैं इनके करियर की तरफ। गाइस, सन 2020 में लॉकडाउन होने की वजह से ये उन दिनों अपने गांव आई थी। इन्होंने उसी दौरान यूट्यूब पर अपनी ब्लॉग्स वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया और अब इन्हें प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पर डे बाई डे बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाइस, इनके यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। गाइस, इसके अलावा ज्योतिका कलर्स टीवी शो बिग बॉस सीजन 14 में एंट्री कर चुकी हैं। सो गाइस, इसी के साथ ही इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हैं और वहां इनके 73 पोस्ट में 100K से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। सो गाइस, चलिए अब जान लेते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। गाइस, इन्हें शिमला की हरी भरी वादियों में घूमना फिरना और कुकिंग करना बहुत पसंद है। गाइस, इनका फेवरेट कलर रेड एंड ब्लू है। गाइस, इनकी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एंड शिल्पा शेट्टी हैं। सो गाइस, चलिए आप ध्यान देते हैं इनके फिजिकल स्टेटमेंट की तरफ। गाइस, इनकी हाइट 5 फीट 2 इंच है और बॉडी वेट 55 kg। गाइस, इनकी आईज कलर ब्लैक एंड हेयर कलर लाइट ब्राउन है। सो गाइस, अगर बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो ये फिलहाल अनमैरिड हैं और सिंगल हैं। गाइस, हम प्रे करते हैं ज्योतिका अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल बने। गाइस, वो कहते हैं ना, जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो कि लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें। गाइस, लाइफ में पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन रेपुटेशन पाना बहुत मुश्किल। तो गाइस, इसी टॉपिक के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।